अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सैयद काशिफ अली, आप देख रहे हैं केस बट अपडेट्स। दोस्तों, आज जो हमारा पेयर है बानो, ठीक है, आज उसके बच्चे इंशाल्लाह हम कलेक्ट करने जा रहे हैं। तो व्यूअर्स आए चलें, बच्चे कलेक्ट भी करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितने बच्चे उसके हमारे पास इस सीज़न के 2021 के फर्स्ट कलर्स के जो बच्चे हैं वो कितने हैं। चले हैं दोस्तों, बॉक्स की तरफ चलते हैं और बेबीज कलेक्ट करते हैं। आइए व्यूअर्स, ये बानो लालची है, काटेगी बहुत बुरी तरीके से। इसको लालच देने के लिए हम थोड़ा कुछ मटर लेके आए और सेब लेके आए। पहले इसको हम करेंगे कैद, तो उसके बाद फिर इसके बेबीज कलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों आए, पहले इसको कुछ लालच देके इसको साइड पे लाते हैं। राजो बानो, चलो बानो बेटी, तुम इसको खाने में लगो, बहुत गुस्सा आ रहा है। बस कलेक्ट करते हैं, टोकरी कलर करीब रख लें। हमने ग्लव्स ले लिया, एक ग्लव्स पहन लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बॉक्स ओपन करते हैं। पहले बच्चे देख लें किस जगह पे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह बेबीज हैं। चलिए बस इधर उठाते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं बच्चे। एक बेबी ये रहा, दूसरा बेबी, ये अल्हम्दुलिल्लाह दो बेबीज हैं जो आज हम कलेक्ट करने जा रहे हैं। टोकरी रख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसका क्रॉप अल्हम्दुलिल्लाह पूरा भरा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये फीड करा दी अच्छी तरीके से। ये दूसरा बेबी भी हम कलेक्ट करने जा रहे हैं, इसका भी देखें माशाल्लाह पूरा क्रॉप भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, माशाल्लाह बहुत हेल्दी बेबी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कलेक्ट कर लिए, इसका बॉक्स साफ करेंगे इंशाल्लाह। तो आगे की प्रोग्रेस फिर इंशाल्लाह हम आपको देंगे। तो ये थी आज की वीडियो जो हमने कलेक्ट किया। अभी फ़िलहाल बॉक्स बंद कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेबीज कलेक्ट कर ली हैं। अब इसकी ये जाली हम निकालने जा रहे हैं ताकि ये अगर दोबारा मेटिंग पे आए और हो सकता है सेकंड कलच कर दे, इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं। तो आगे का भी रिजल्ट इंशाल्लाह देखेंगे क्या होता है। फर्स्ट क्लच के हमने बेबीज तो कलेक्ट कर लिए हैं, अब इसको देते हैं रेस्ट और हम जाते हैं ये बच्चे लेके और फीड कराने की। तो व्यूअर्स इनको ज़रूरत नहीं है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इनके क्रॉप जो है ना वो फुल भरे हुए, अच्छी तरीके से इनके मदर फादर ने इनके अच्छी तरीके से इनको फीड करा रखी है। तो इंशाल्लाह रात में करवाएंगे इनकी इसको फीड फिर, क्योंकि अभी शाम का टाइम है, शाम के टाइम कलेक्ट कर रहे हैं हम इसको। और ये बानो देख रही हैं, बानो बेबीज ले लिए बेटा, आपके बच्चे उठा लिए हमने, अब हम लेके जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये थी अल्हम्दुलिल्लाह आज की इन हमारे इस पेयर की प्रोग्रेस। इसने चार अल्हम्दुलिल्लाह एग ले किए थे और चारों के चारों फर्टाइल थे। दो में से बेबीज हैच हो गए, दो डेड एंड शेल हो गए मौसम की वजह से। और काफ़ी देर से इसने ब्रीड की क्योंकि मौसम की वजह से कुछ मामला ऐसे रहे जिसकी वजह से ये लेट ब्रीड पे आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी सक्सेस हुई इसकी ब्रीड। और इसके बेबीज जैसा कि हमने कलेक्ट कर लिए आपके सामने, तो इंशाल्लाह उन बेबीज़ को हम रिंग भी पहनाएंगे जो कि इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो तकरीबन बेबीज़ ये 12 दिन के हो गए थे, तो सोचा अभी सीज़न है थोड़ा बहुत बाकी, तो पॉसिबिलिटी है कि एक कलच और कर जाए। और
तो इंशाल्लाह इसकी आगे तमाम प्रोग्रेस आपके साथ और भी जो मज़ीद होगी वो शेयर करते रहेंगे, और उन बेबीज़ की भी इंशाल्लाह आगे जो जो प्रोग्रेस चलती रहेगी तो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपनी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उनको रिंग भी हम पहना के दिखाएं आपको, ताकि आप भी देख सकें कि बेबीज़ को रिंग किस तरीके से पहनाए जाते हैं। ठीक है, रिंग्स बना के हमने रख ली हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपके साथ उनको रिंग जो पहनाएंगे उनकी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे लिए भी दुआ किया करें और हमारे बर्ड्स के लिए भी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह निगेबान।